यस स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो पीछे पार्ट में देखी सुनी कहानी, उसके आगे का भाग अब आप देखिए। तो जब भोंदू बाबा के पास पहुंच गया, फिर उनसे भी बात वही कर रहा है कि मेरे बस का कोई काम धाम नहीं है। इसके बाद बाबा कहते हैं कि बाबा से बोल रहा है कि मैं वापस चला जाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, बस इतना कष्ट करें कि उन रोगों की दवा बता दीजिए जिन्होंने आपके पास पहुंचने में मेरी सहायता की है। तो बाबा कहते हैं कि कौन है वो लोग, उनको क्या रोग है, जल्दी बोलो, फिर मेरी साधना का समय हो रहा है। अब भोंदू ने दो अंधों भोंदू ने दो अंधों कुष्ठी और बुढ़िया की कहानी विस्तार से सुनाई और उनके रोगों को भी बाबा को बता दिया। बाबा ने कहा, अच्छा तो सुनो, अंधों से कहना कि उसकी अंधों से कहना कि उनकी कुटिया से उत्तर दिशा में अंधेरी में गुफा है, गुफा के अंदर एक ठंडे पानी का स्रोत बह रहा है। यदि दोनों अंधे उस स्रोत के पानी से अपने नेत्र धो लें तो उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है। गुफा के अंदर ही उन्हें स्वर्ण का भंडार भी मिलेगा। अब आगे भोंदू बोला, धन्य है बाबा, उस कुष्ठी के लिए भी कोई औषधि बता दीजिए, बेचारे का उद्धार हो जाएगा। हाँ, कुष्ठी को बताना, मंदिर से पूर्व दिशा में आधा मील की दूरी पर एक सरोवर है। इस सरोवर में बहुत से रत्न हैं। सरोवरों के रत्न से शोधे हुए जल में यदि कुष्ठी स्नान कर ले तो उसका सारा कुष्ठ मिट जाएगा और शरीर सोने जैसा बन जाएगा। अब बस रही वो बुढ़िया, बस अब रही वो बुढ़िया, उससे कहना कि वह किसी आलसी व्यक्ति का कलेजा रख ले तो उसके गुर्दे का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है। इतना कहकर मौना बाबा उठ खड़े हुए, तुम अब जा सकते हो। भाई उसको तो कोई काम करना नहीं था, तो उसको आदेश दे दिया कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कहकर वे स्वयं अपनी साधना के लिए चल दिए। भोंदू भी तत्काल वापस लौट आया। एक दिन चलकर वह अंधी की वही कुटिया पर पहुंचा। रात में वहां ठहरा, अंधों की औषधि बताई और अंधी ने भोंदू से कहा कि तुम भी अब उस अंधेरी गुफा तक पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, स्वर्ण के भंडार से तुम मनचाहा स्वर्ण ले लेना। अब अंधेरी गुफा पर पहुंचाना, यह सब मेरे बस का काम नहीं भैया, भोंदू ने साफ उत्तर दिया। सुबह उठकर वह आगे बढ़ा। उस दिन शाम तक चलकर वह उस मंदिर पर पहुंच गया जहां उसे कुष्ठी मिला था। कुष्ठी ने उसे ठहराया, भोजन कराया। प्रातः काल होने पर भोंदू चलने लगा। कुष्ठी बोला, भैया क्या मौना बाबा से मेरे लिए औषधि पूछ कर आए? भोंदू ने उत्तर दिया कि हाँ, तुम्हारे लिए मंदिर से पूर्व दिशा में आधा मील की दूरी पर रत्नों वाला सरोवर बताया है और उसमें स्नान करने से तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारा शरीर भी सोने जैसा हो जाएगा। अच्छा भैया, देखो तो हमारे हाथ पर गल गए हैं, मैं सरोवर तक कैसे जा सकता हूँ? तुम मुझे सरोवर तक पहुंचा दो, तो मुझे सरोवर तक पहुंचा दो। किसने कहा? उस कुष्ठी ने कहा, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, अब सरोवर से जो भी रत्न मिलेंगे उन्हें तुम रख लेना। कुष्ठी ने प्रार्थना की। भोंदू बोला, ना भाई, मुझे ऐसे रत्न नहीं चाहिए जिनके लिए एक आदमी को आधा मील तक खींचने का कष्ट करूं, यह काम मेरे बस का नहीं। और भोंदू वहां से चल दिया। अब चलते चलते वह बुढ़िया की झोपड़ी तक पहुंच गया।
बुढ़िया की झोपड़ी तक पहुंच गया। बुढ़िया ने उसे देखा और देखकर बहुत खुश हुई और पूछा। वह समझ गई कि भोंदू उसकी दर्द की दवा अवश्य पूछकर आया होगा। भोंदू की रात तो बड़े आराम से कटी। प्रातःकाल हुआ तो प्रातःकाल जैसे ही भोंदू चलने लगा, बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया ने याद दिलाया, बेटा मेरे दर्द की दवा पूछ कर आए। हाँ माँ, यह तो बताना ही भूल गया। बाबा ने कहा कि यदि तुम किसी आलसी व्यक्ति का कलेजा खा लो तो तुम्हारे गुर्दे का दर्द ठीक हो जाएगा। अभी भोंदू चलना ही चाहता था कि बुढ़िया ने कड़क कर कहा, अच्छा तो मेरे दर्द की दवा स्वयं तुम ही हो। भोंदू ने आंखें उठाकर देखा, बुढ़िया ने भयंकर रूप धारण कर लिया, उसकी आंखें खुली रह गई। अब वह सचमुच व्याघ्रमुखी थी। आलसी भोंदू ने भागने का प्रयत्न भी किया, तुमसे अधिक आलसी और कामचोर मुझे कहाँ मिलेगा। बस इतना कहकर व्याघ्रमुखी उस पर झपटी और उसका कलेजा निकाल कर खा गई। आलसी का अंत इसी प्रकार होता है, इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। जो काम जिस समय करना है उसका उचित समय जानकर उसे पूरा करना ही बुद्धिमत्ता है, उसी को करना चाहिए, वही व्यक्ति आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ओके, थैंक यू क्लास।